यह लेख डॉक्टर एस पी मिश्रा सर द्वारा लिखा गया है और मैं प्रिया कश्यप जिसने इस लेख को अनुवादित किया है। और आज हम बात करने वाले हैं एक कुशल अपरिचित के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए हमने हर मोड़ पर एक अपरिचित को पाया है? यह अपरिचित व्यक्ति कोई भी हो सकता है जो आपकी सफलता का कारण रहा हो। ये जो शब्द है अपरिचित, या जिसे हम स्ट्रेंजर भी कहते हैं, इस शब्द का मतलब अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। आपके जीवन में एक अपरिचित व्यक्ति वह हो सकता है जिससे आप कभी ना मिले, या वह एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिससे आपकी कोई भी जान पहचान ना हो, या जिन चीजों के बारे में उसे जानकारी हो आपको ना। हमारे घर में एक अपरिचित व्यक्ति एक मेहमान के रूप में आ सकता है, या कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए अपरिचित होता है। जब हमने इस धरती पर कदम रखा तो सबसे पहले अपने माता पिता को अपने पास पाया और उन सभी लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तब तक वही हमारी दुनिया होते हैं जब तक हमने बाहरी दुनिया को ना देखा, जैसे कि नए नए दोस्तों से मिलना, स्कूल जाना, उनके साथ खेलना और वो बहुत सारी चीजें जो हमें एक अपरिचित से सीखने को मिलती है। एक मनुष्य होने के नाते हम अपने जीवन में हर वक्त एक अपरिचित से मिलते हैं। वह अपरिचित व्यक्ति हमारा रिश्तेदार हो सकता है, ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, या फिर हमारे पड़ोसी। एक नन्हे से बच्चे के लिए हर व्यक्ति अपरिचित होता है सिवाय उसके माँ बाप के। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन में एक नया है वो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ही आया हो। यह भी हो सकता है कि वह अपने स्वार्थ में आपके साथ जान पहचान बढ़ा रहा हो, क्योंकि ऐसे लोग जितनी तेजी से आपके जीवन में आते हैं उतनी तेजी से चले भी जाते हैं। पर एक कुशल अपरिचित व्यक्ति वह होता है जो आपको पहले से जाने बिना भी आपसे व्यवहारिक रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से खुल मिल जाता है और आपको आपकी सफलता की ओर बढ़ने में सपोर्ट करता है, आपको समझता है और समझाता है। उसी तरह वह आपको सम्मान देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण कर दे, जिसके आप हकदार हो। यह वही अपरिचित लोग होते हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं और आपको मदद करते हैं कि आप अपने जीवन के महत्व को समझ पाओ। यह वह लोग होते हैं जो हमें हमारे भविष्य को संवारने में मदद करते हैं और हमें ऐसा सोचने में सहयोग करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जाएं। यह हमें एक अच्छे मनुष्य के ढांचे में ढालने की सीख देते हैं। इस लेख के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के अपरिचित, वो जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं, भले ही वो किसी भी फायदे या नुकसान से आपके जीवन में आए हों, वो आपके जीवन में जरूर एक सटीक बदलाव करते हैं। और निश्चित रूप से आप ये समझ जाते हैं कि आपके क्या सही और क्या गलत। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कोई भी नया व्यक्ति आए तो आप उसे जरूर महत्व दें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हो। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि हम हर रोज एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति से मिलें जो हमें जीवन को जीने के नए नए तरीके सिखाए, नए नए विचार और फायदों को हमारे सामने रखे, जो हमारी समृद्धि में मदद करें और आगे बढ़ने में एक बेहतर तरीके को समझें। जैसे कि मैं इस पूरे लेख में एक कुशल व्यक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, तो क्या आपने यह सोचा कि आप भी किसी के जीवन में एक कुशल व्यक्ति हो सकते हैं? वो सभी पॉइंट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो उन सभी लोगों के लिए था जो एक कुशल अपरिचित हो सकते हैं, और एक मनुष्य होने के नाते आप भी उसका हिस्सा हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी किसी के लिए एक सही अपरिचित साबित हो,
किसी के जीवन में आपकी वजह से सकारात्मक बदलाव आए। आपने साइकिल ऑफ कर्मा के बारे में जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि व्हाट कम्स आउट आल्सो कम्स बैक इन। हम जिस भी व्यक्ति को जिस तरीके से ट्रीट करें वो हमें वैसे ही या दूसरे रूप में जरूर मिलता है। तो कोशिश करें कि आप किसी के लिए एक कुशल अपरिचित साबित हो, तभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। गांधी जी ने कहा है कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो बदलाव सबसे पहले आप से शुरू होना चाहिए। तो एक कुशल अपरिचित पाने के लिए आपको भी एक कुशल अपरिचित बनना पड़ेगा। इस लेख के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एक अपरिचित का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में।